तो हेलो फ्रेंड्स, आप फोन पे का यूज़ करते होगे तो आपको पता ही होगा कि फ़ोन पे के यूज़ से आप किसी के भी फ़ोन में पैसे भेज सकते हो, किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। बट आपको ये पता है कि आप QR कोड को कैसे स्कैन करके पैसे भेज सकते हो? तो यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी का हमें नंबर पता नहीं होता, या हम प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं तो कैसे QR कोड की मदद से हम सिंपल से पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वो मैंने फ़ोनपे को ओपन कर दिया है। फ़ोनपे में ऊपर की तरफ देखिए QR कोड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि QR कोड को स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक अलग से फ़ोन में QR कोड को मैंने ओपन करके रखा था। यहाँ पे देखिए सिंपल से स्कैन हो गया है। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए स्कैन हो रहा है, ये देखिए QR कोड स्कैन हो गया। उसके साथ QR कोड में हमारी जो है ID भी मिल चुकी है, जो वर्चुअल ID होती है, जो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो मिल चुकी है। और सिंपल से यहाँ पे जो भी अमाउंट है डालने के बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पे करेंगे और अपना जो है पासवर्ड डालेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा यूजिंग द QR कोड। तो फैन, आप भी कहीं पे भी जाते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी जाते हो जहाँ पे आपके पास किसी का नंबर नहीं होगा और अर्जेंट पेमेंट करना होगा, जैसे कि आपने डिनर किया है और अर्जेंट पेमेंट करना है, तो आप नंबर को फाइंड आउट नहीं करोगे। उनके पास गूगल पे होगा, फ़ोन पे होगा या उनके पास भीम होगा, तो उनके पास एक कार्ड होगा जिसका नाम है मीन्स QR कोड। वो फ़ोन पे का भी हो सकता है, गूगल पे का भी और भीम का भी। सिंपल से आपको क्या करना है, मैंने जो प्रोसेस बताई उसी को भी फॉलो करना है। सिंपल से स्कैन कीजिए आप QR कोड को और पेमेंट कर दीजिए, तुरंत से पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे नए मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।